तो छत्तीसगढ़ में डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। सैम पित्रोदा का बयान आया, राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया, आरोप यह भी लगाया कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है। यह नया आरोप नहीं है, इसमें सैम पित्रोदा और एड ऑन हो गए। कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी का जिक्र किया गया, कर्नाटक में प्लस बी में रखा गया है मुस्लिमों के आरक्षण की जो बात हो रही है, और वो तकरीबन 32% के आसपास पहुंच जाता है। इसे लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी जारी किया। उधर कांग्रेस के जो प्रभारी सचिव हैं, उन्होंने रायपुर में बीजेपी के 400 पार का मतलब समझाया। चंदन यादव ने बीजेपी पर संविधान बदलने के आरोप लगाए, मंशा पर सवाल खड़े किए, बीजेपी को कितनी सीट आ रही है यह गणित भी वो बताते हैं, दोनों का बयान सुनाएंगे। इन सबके बीच साय सरकार ने प्रदेश में लगी सीबीआई की एंट्री पर बैन हटा दिया है। साय सरकार की बहुत सारी प्राथमिकताओं में से एक सीबीआई की एंट्री पर बैन था। बहुत सारी चीजें शुरू हो गई थी, पर सीबीआई की एंट्री पर जो बैन था वो अभी अभी हटाया गया है। चुनाव भी है प्रदेश में। गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया, यानी सीजीपीएससी घोटाले बिरनपुर हत्याकांड की जांच में अब तेजी आएगी। सीजीपीएससी घोटाले की जांच को लेकर बीजेपी ने वादा भी किया था। दूसरे चरण की वोटिंग और प्रदेश में गरमाते मुद्दे, इस पर बहस करेंगे, लेकिन पहले अरुण साव और चंदन यादव के बयान को आपको सुन लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और उनका हिडन एजेंडा निकल कर बाहर आया है। लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का, लोगों की संपत्ति पर नजर है। जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुसलमानों को देने की योजना बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। जैसा कर्नाटक में इन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आज ये देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश की जनता बुरी तरह से सबक सिखाने वाली है। तो 400 पार का क्या मतलब होता है, उसके कई बड़े नेताओं ने खुले मंच पे खुले मन से कहा कि वो क्या करना चाहते थे। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है, अब बहुत सफाई दे रहे हैं। जब जनता समझ गई कि ये क्या करने वाले हैं संविधान के साथ, संविधान को बदलना चाहते हैं। अब चर्चा की बात कर ली जाए, और बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव चक्रवर्ती साहब, बीजेपी के ऊर्जावान प्रवक्ता, स्वागत है उनका। अंशुल मिश्रा, कांग्रेस नेता, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और के शर्मा सर, बारीक लकीरें, हम उन्हीं के सहारे बारीक लकीरों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती साहब, आपके पास ही मैं आ जाता हूँ। मुसलमान आरक्षण की बात निकलकर सामने आ रही है, कब ये पता चला कि कर्नाटक में स्थितियां हैं? एनसीबीसी का एक नोटिस हालिया जानकारी में है, इससे पहले येदियुरप्पा थे, केंद्र में सरकार आपकी है। बड़े हैरत की बात है कि सवाल तब नहीं उठाए गए। चक्रवर्ती साहब, नहीं देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही कहते आ रही है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने कहा, संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मुस्लिम बंधुओं पर है। अभी कांग्रेस के ओवरसीज फ्रेंड के सैम पित्रोदा कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी आम आदमी की हो, किसी की भी हो, उसके जाने के बाद उस प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है देश के उसमें जाएगा कोल, और संविधान का रोना रोते हैं। ललित जी, बड़ा हंसी आती है, जिस पार्टी ने संविधान को कितने बार अमेंडमेंट किया, कितने बार बदला, देश पर आपातकाल थोपा, चुनाव पर रोक लगा दी, बिजली काट दी प्रेस की, वो पार्टी को बड़ा दुख होता। कहते ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो कांग्रेस पार्टी उस पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है जो संविधान पर विश्वास रखती है, एक बार भी किसी सरकार को बर्खास्त नहीं की। और ये कांग्रेस पार्टी जिसने 90 बार से अधिक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दी, वो सरकार संविधान का रोना रो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे, आपने काला कानून, मीसा कानून बनाया 1974 में, देश के पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया, देश के प्रेस का गला घोट दिया, अब आप संविधान बदलने की लोगों को भया दोहन कर रहे हैं। वो पार्टी है जो कर्नाटक में बिल पेश किया, और बिल पेश कर जो ओबीसी का आरक्षण था उस पर कटौती कर वहां के चक्रवर्ती साहब अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए वहां मान लिया उन्होंने आंधी, मान लिया उन्होंने आंधी का प्रदर्शन रुकवा दिया था, पर प्रेस का फ्रीडम इंडेक्स तो आपके जमाने में और ज्यादा खराब हो चला है। नहीं, खराब हो चला, हमने बिजली नहीं काटी, किसी का विज्ञापन नहीं रोका। आप देखिएगा, मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी, तो परम आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 70 से अधिक प्रेस के जो
मान्यता प्राप्त पत्रकार है, हाँ। उनको जेल में डलवाया, उनके खिलाफ गलत गलत आदत, उनको फर्जी चार्जशीट टेट किया, किसी को किसी एक्ट में अंदर करवाया, तो ये कांग्रेस की रीति नीति है। प्रेस का गला घोटो, पत्रकारों को डराओ धमकाओ, उनके घर उजाड़ दो, उनके घर तोड़ दो। हम अपराधियों का घर तोड़ते हैं, लेकिन हाँ। कांग्रेस ने पत्रकार का घर तोड़ा, उसके घर को, पत्रकार के बिटिया को स्कूल से बाहर टीसीट दिलवा दिया। ये कांग्रेस की रीति नीति है। हम प्रजातंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं जो 2 सालों तक जेलों में रहे मीसा कानून के खिलाफ, लेकिन हम कभी संविधान बदलने की बात नहीं करते हैं जी। अंशुल जी जवाब, और फिर मेरा सवाल रहेगा प्लीज। अभी तक लगता था कि मेरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ वही झूठ बोलते हैं, और मेरे को राजीव चक्रवर्ती जी पर पूरा भरोसा था कि वो कभी कभी सच तो बोल देते, लेकिन आज झूठ उनका पकड़ देता हूँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार देश के संसाधनों पर है। मैं वादे और दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा था तो मैं आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं अपने राजनीतिक जीवन से परित्याग कर दूंगा, क्योंकि मुझे न्यूज 18 पर पूरा भरोसा है। इसके ऊपर एक सर्जरी हुई थी और न्यूज 18 इंडिया ने उसको दूध का दूध पानी का पानी किया हुआ था, उसकी क्लिप मैं आदरणीय को भेज दूंगा। पहला झूठ इनका पकड़ा गया। इन्होंने प्रेस की बात कही और इन्होंने शायद हंगर इंडेक्स की भी बात कही होगी। प्रेस के मामले में आज दिनांक में महोदय हम पूरे विश्व जगत में 154वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है, जब पिछले सन 2014 के पहले हम 12वें और 13वें पर लाइज करते थे। प्रेस का पूरा अधिकार था आलोचना करने का, कठिन प्रश्नों को जवाब देने के लिए हम तत्पर हुआ करते थे, लेकिन आज दिनांक में जो प्रेस वाला अगर प्रश्न कर देता है या तो उसकी बिजली काट दी जाती है, जो उनका साथ हो जाता है वो गोदी मीडिया हो जाता है, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। तीसरी प्रमुख बात, आप छत्तीसगढ़ पर आ जाता हूं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने प्रेस वालों के ऊपर बड़े प्रश्न घातक चिन्ह लगाए। ललित जी आपको वह वक्त याद होगा कि जब यह विपक्ष में थे और हम सत्ता के हम संघर्ष कर रहे थे तो इनके वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस के मेरे साथियों को खड़ा करके इतनी मार मारी थी कि उनको 18-18 ताके आ गए थे और प्रेस वालों को एक मौन धरना देना पड़ा था, सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ा था और रमन सिंह जी के खिलाफ धरना देना पड़ा था और ब्रजमोहन जी के खिलाफ धरना देना पड़ा था। तो कम से कम प्रेस की निष्पक्षता पर सवाल कम से कम कांग्रेसियों से ना पूछा जाए तो मैं समझता हूं यह बेहतर होगा। और आपने एक और बात कही कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमें ये समझ में आता है कि कांग्रेस के बिना बीजेपी का तो चलन ही अधूरा है। बीजेपी पिछले अपने 10 वर्षों के कृत्य बता देना। बीजेपी मान्यवर आपने ही कहा था ना कि पिछले 10 वर्षों में हम महंगाई कम कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटीज बना देंगे, आपने बहुत सारी बात। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हां या ना में जवाब। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिक्र कर रहे हैं जिस भाषण का आजकल रेफरेंस लिया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात कि सैम पित्रोदा का जो बयान है, क्या वो वैसे नहीं लगता जो हर लोकसभा चुनाव के पहले कुछ बयान आपको नुकसान पहुंचाते हैं? अंशुल जी, ये आपने बड़ा उम्दा और तर्कात्मक प्रश्न किया। मैं बिल्कुल उसी प्रश्न उसी बात का जिक्र कर रहा हूं जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उसको पूरा सुनने की आवश्यकता है। तोड़ मरोड़ के बीजेपी के प्रवक्ता को सुना दिया हो गया उनकी आईटी सेल ने, तो वो आके यहाँ पर बोलने लगे क्योंकि इनके प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है और झूठ भी पकड़ा गया है। अब मैं आपको सैम पित्रोदा की बात करता हूँ। सैम पित्रोदा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनको किसी भी प्रकार का इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन उतना ही जिम्मेदारी पूर्वक हमारे परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, उनको भी मंगलसूत्र को लेकर किसी भी प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। अब मैं तो यह कहता हूं कि सैम पित्रोदा का बयान तुलना कर लीजिए और उनका बयान तुलना कर दीजिए। महिला का सम्मान इस देश की तासीर है। हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, उस शक्ति के खिलाफ में खड़े होने वाला अगर मेरा देश का हुक्मरान सिर्फ 4 वोटों के लिए खड़ा है तो मैं समझता हूं मेरे देश की राजनीति किस स्तर पर जाती हुई नजर आ रही है। ये बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ताओं को तय कर लेना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ताओं को इस बात से माफी मांगनी चाहिए कि मेरी महिला, मेरे देश की महिला जो देवी स्वरूप मानी जाती है, जो मंगल सूत्र होता है, जो देश का महिला का सम्मान होता है, जो उनके उसके खिलाफ में जो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरे पास शब्द नहीं है उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए। मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं। ठीक ठीक अंशुल जी, ये भी आपको सुनना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन ने क्लेम शब्द का जिक्र किया था, एक बात। पीएमओ आर्काइव में वो पड़ा हुआ है, दूसरी बात। तीसरी बात, ये सारे दर्शक जान लें, हर भाषण की अपनी एक जगह होती है और तरीका होता है, सलीका होता है और वजह होती है। वो विकास परिषद की बैठक का भाषण था, दर्शक उसे जरा एक बार फिर सुन लें। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत, हम नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और
खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके, इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए, जिसे क्लेम मैं कह रहा हूं, दावा होना चाहिए। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। ये ट्रांसलेशन है, डॉक्टर मनमोहन ने अंग्रेजी में कहा था। ठीक, इतनी अच्छी बात बोल दी आपने, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कम से कम। मैं इनको, आपने दूध का दूध पानी का पानी कम से कम इस बात को कर दिया। मैं तो न्यूज 18 इंडिया को फॉलो करता हूँ, कई बार इस पर प्रोग्राम हो चुका और कई बार मेरे पानी का पानी नहीं बताता है, पहले अधिकार है आपका, वो नैरेटिव ऐसा ही था। नहीं अब ये ऐसा था, कोई झूठ नहीं पकड़ा आपको, ललित जी की आपका प्रेम दिख रहा है। मेरी बात मत मानिए आप, ललित जी नहीं, ललित जी ने कहा परिपेक्ष वही है, ललित जी जो बोल रहे हैं सहमत हूँ। ठीक ठीक, राजीव जी, अंशुल जी, राजीव जी अब फंस गए आप, राजीव जी, अंशुल जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ। के सर अभी लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी जाना जरूरी है, क्योंकि के शर्मा साहब ने इतने सारे चुनाव देखे हैं, शायद जितना हम लोग का कुल तजुर्बा नहीं होगा, कुल पत्रकारिता नहीं होगी। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ शर्मा सर, कि टीएन स्टेशन की तो आपको बार बार याद आती होगी, आज मैंने सरमन सर से भी यही सेम सवाल किया था कि इस दौर में टीएन सेशन की बहुत याद आती है, एक बात। दूसरी बात कि किसी और पार्टी में कुछ शब्द आने पर बहुत तेजी से एक्शन हो रहा है और इधर कुछ नेताओं को धड़ाधड़ क्लीन चिट मिले जा रही है। शर्मा सर, क्या आप ये महसूस करते हैं? देखिए, आज ही जिस तरह से चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी जी के भाषण की बात करें या राहुल गांधी जी की बात करें, उनको जो पार्टी को नोटिस जारी किया इसको लेना चाहिए, चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन होना चाहिए। चुनाव आयोग के पास सीधी कार्रवाई का मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, ना अब तक ऐसा कोई उदाहरण शायद मुझे मेरी नजर में नहीं आया है। लेकिन जो आईपीसी के धारा के तहत कार्रवाई की बात कही जाती है कि धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर जो नफरत फैलाना के खिलाफ, इसको कहीं भी कार्रवाई की जा सकती है, चुनाव हो चाहे ना हो, मुझे लगता है। तो सर, मैं रोक रहा हूँ आपको, एक बड़ा अपडेट स्पीच आ रहा है, अंशुल जी इस पे सवाल भी रहेगा आपसे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, राम विलास साहू कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपने पत्र में वो लिखते हैं, हिंदू विरोधी निर्णय पार्टी में लिए जा रहे हैं, पदाधिकारियों की उपेक्षा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। ये उन्होंने साफ नहीं किया है कि राम विलास साहू के लिए क्या लिखा जाएगा, कौन सी उनकी नई पार्टी होगी, या फिर साफ नहीं है, हो सकता है थोड़े समय में साफ हो जाए, हृदय परिवर्तन भी हो जाता है कभी कभी। खैर, ये जानकारी देख लीजिए, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अंशुल जी, राम विलास जी भी चले गए, कह रहे हिंदू विरोधी निर्णय आप ले रहे हो, इसे ये पूछ लीजिए कि हिंदू विरोधी हमने कौन सा निर्णय ले लिया पिछले 5 वर्षों में। राम विलास भी हिंदू हैं और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी हिंदू रहे, और देश छत्तीसगढ़ का पूरा कैबिनेट मंत्रालय जो है वो भी हिंदू पर परिपाटी पर रहा। हम हिंदूवादी देश में रहने वाले लोग हैं, राम विलास जी की इच्छा अनुरूप कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इसलिए आरोप लगाकर चलेगा। जो आपने कहा ना कि अभी हृदय परिवर्तन होगा, मैं ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ, आने वाले 1-2 दिन में उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तीसरी बात मैंने यह कहा कि संघर्ष के समय में आस्तीनों का सांप का जाना बहुत अच्छी बात होती है, इससे जिस प्रकार से हमारी दिवाली और दशहरा के समय हमारा घर साफ हो जाता है, चुनावी समर के समय पर इस प्रकार के आस्तीन के सांप जब चले जाते हैं तो हमारी पार्टी भी। राजीव जी का रिएक्शन लेंगे, फिर 3 सीटों पर भी आएंगे भाई। राजीव जी प्लीज, अंशुल जी प्लीज, अब सुन लेते हैं ना, अंशुल जी सुन लेते हैं, अंशुल जी, राजीव जी प्लीज। ठीक है, बहुत अच्छा बोला ललित जी, इतना बुरा लगता है अगर जो व्यक्ति साहू जी जब तक कांग्रेस के साथ रहे तो वो सिपाही, और अगर कोई वैचारिक विरोध हुआ तो सांप। ओबीसी वर्ग को इसी प्रकार से राहुल गांधी जी ने गाली दिया, सारे मोदी चोर क्यों हैं, सारे तेली चोर क्यों हैं। आज अंशुल मिश्रा जी कह रहे आस्तीन का सांप, यानी जो व्यक्ति आपके साथ रहा, अपनी जिंदगी बिता दी पार्टी के साथ, तब वो आपका साथी है, कांग्रेस का सिपाही है, सिपाही से सांप बना दिया आपने। अगर आपके एजेंडे के साथ नहीं चला, आपका एजेंडा है सनातन का विरोध करना, आपका एजेंडा है जब डीएम राजा कनिमो जी से लेकर जितने आपके अध्यक्ष के पुत्र है सनातन सनातन धर्म की गाली बकते हैं, आप किस प्रकार की बात, सनातन का विरोध किया आपके इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन के लोगों ने कहा सनातन, सनातन के विरोध में कहा, आपने कहा एड्स है, सनातन एड्स है,
और आप उनके साथ गठबंधन में सरकार कर रहे हैं। अरे एनडी गठबंधन अभी आप फंस गए, ओवरलैपिंग कर रहे हैं इनका। ललित जी इनको म्यूट कर दीजिए, मेरी बात पूरी सुनिए। ठीक नहीं नहीं आपकी आवाज आ रही है। स्टालिन कहते हैं, स्टालिन कहते हैं कि मुझे बोलने दीजिए अंशुल जी, स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया से की, स्टालिन ने हिंदू धर्म की तुलना तमाम तरह इस बातें की, इनको म्यूट कर दीजिए तब ये चुप रहे। राम मंदिर के आमंत्रण पर नहीं आए, राम मंदिर के आमंत्रण पर नहीं आए तो कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नाव है। राजीव जी मैं आपको पार्टी का पिटारा हो चुका है। अंशुल जी, राजीव जी, अरे एक मिनट रुक जाइए, तीन सीटों पर बात नहीं हो पाएगी, रुक जाइए। चलिए चलिए थोड़ा शांत होंगे, अब हम शांत रहने का अभ्यास करेंगे, गहरी सांस लेंगे, पेट में भरेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे। के शर्मा जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। मार्जिन जो है कांकेर का मार्जिन तकरीबन 6,000, राजनांदगांव में स्थितियां थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर चुनौतीपूर्ण, और शायद यही वजह है कि एग्रेशन बढ़ रहा है। आपको ऐसा लगता है? के शर्मा सर प्लीज बहुत शॉर्ट। निश्चित रूप से राजनांदगांव में के भूपेश बघेल के खिलाफ जिस तरह से आज विजय शर्मा जी का गृह मंत्री का बयान आया है, वो या महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू का जो बयान आया है ताम्रध्वज साहू के खिलाफ सनातियों के दोषी हैं करके, उसको लेकर के बीरनपुर को लेकर के, या भूपेश बघेल को कहा गया कि भूपेश बघेल को वोट देना अकबर को वोट देने के समान है, तमाम प्रकार से जो धर्म के आधार पर या धर्मांतरण को लेकर के या धर्म के कानून को लेकर के या धर्म के आरक्षण को लेकर तमाम प्रकार के जो बातें है उसके बीच में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मतदाता जो है वो जो मोदी की गारंटी की बात कहें या कांग्रेस इसके आधार ऑलरेडी एक्सीड है। राजीव जी और अंशुल जी ने बहुत सारे शोर में भी चीजें निकाल दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वक्त थोड़ा सा कम रहा लेकिन चर्चाओं के ये सिलसिले इसी तरह से चलेंगे, इसी तरह से बयान आएंगे, इसी तरह से एग्रेशन बढ़ेगा, यही तो सियासत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बात और भी कही थी कि सियासत में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। ब्रेक ले लेते हैं।